शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को चौथा समयान वेतनमान दिए जाए। वहीं एमएसएमई विभागों के औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन प्रस्ताव भी पास किया गया। आज की कैबिनेट में अनेक क्रांतिकारी निर्णय नौजवानों के हित में, कर्मचारियों के हित में, छात्रों के हित में एक श्रृंखला कैबिनेट ने निर्णयों की है। आज कर्मचारियों के हित में जो हमारे कर्मचारी 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं उन्हें चतुर्थ समयमान का लाभ देने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ये अवधि 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत का कैबिनेट ने तय किया। इसी तरह से युवाओं के लिए आज जो हमारे युवा कला और प्रशिक्षण फेलोशिप है उसको भी कैबिनेट में मंजूरी दी है। अब इसमें हमारे युवा कलाकार 1000 युवा कलाकार अलग अलग जिलों से चयन किए जाएंगे और इन्हें 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा और ये हमारे कलाकार प्रशिक्षित होंगे। छात्रों के हित में भी जो निर्णय हुआ उसमें आज 4 नवीन महाविद्यालय खोलने का कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 3 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय की आज मंजूरी दी है। 3 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के जो खोलने की अनुमति दी है और 6 शासकीय महाविद्यालयों में जो नवीन महाविद्यालय खुलने वाले हैं वो शासकीय विधि लिया गया है। इसी तरह से आज शिवपुर नर्मदापुरम में नवीन तहसील खोलने का तय किया है कैबिनेट के द्वारा और इसके लिए 14 पद भी स्वीकृत आज किए गए हैं। नवीन तहसील एक सीधी में मड़वास का सृजन करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है और इसके लिए 20 पद स्वीकृत किए गए हैं। टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी लाने के लिए आज जो प्रस्ताव दूरसंचार विभाग का था 2023 के दिशा निर्देश के अनुसार उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूर किया गया है। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में एमएसएमई को औद्योगिक भूमि आवंटन करने का यथा संशोधित 2022 संशोधन करके तय किया है। आज मुद्रा योजना का भी जो नवीनीकरण है मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ दिए जाने का भी निर्णय कैबिनेट के द्वारा किया है। अब जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे थे उन्हें उद्यम क्रांति का भी लाभ मिलेगा। इसी तरह से आईटीआई के क्षेत्र में भी प्रदेश में 6 नई आईटीआई की स्थापना करने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा लिया है। इसके लिए 114 प्रशासकीय और प्रशासकीय 66 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। 2,580 लाख के वित्तीय प्रावधान की अनुमति दी गई है। अनावर्ती व्यय के लिए 9,487.20 लाख की। ये सीहोर जिला के जबलपुर, कैमूर जिला कटनी, बिजावर जिला छतरपुर, जैरोन जिला निवाड़ी, रामकुंड नैकिन जिला सीधी, तिलगारा जिला धार में नवीन आईटीआई खोलने का प्रस्ताव था वो आज कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। इसी तरह से आज शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होशंगाबाद में 4 नवीन पाठ्यक्रम खोलने का, इनमें से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस और इनके लिए पद भी स्वीकृत करने का तय किया है। अनावर्ती व्यय 801.26 लाख, अनावर्ती व्यय 801 और कुल व्यय 1,869.31 लाख करने का तय किया है। आज कैबिनेट के द्वारा टाइगर स्टेट बनने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग को, वन मंत्री जी को और वन मंत्री जी के द्वारा बुके भेंट करके मुख्यमंत्री जी को आज टाइगर स्टेट बनने की बधाइयां दी गई और इसमें खास बात यह थी कि टाइगर स्टेट भी हम लंबी लीड के साथ बने हैं। जहां पिछली बार कर्नाटक के आसपास थे इस बार कर्नाटक में 528 हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर 785 हमारे टाइगर हो गए हैं जो एक प्रसन्नता की बात है।
इसी तरह से आप देखेंगे अद्भुत काम जो मध्य प्रदेश की सरकार का जो दिखाई देता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए, जो अपने आप में ऐतिहासिक काम है। गरीबों की संख्या तेजी से घट रही है। अगर अपन इसको पर कैपिटा इनकम से जोड़ेंगे तो ये जो कांग्रेस की सरकार में, दिग्विजय सिंह की सरकार में, जहां सिर्फ 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम थी, उस वक्त मैंने भी विधानसभा में क्वेश्चन पूछा था, आज वो पर कैपिटा बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है पर कैपिटा इनकम, जो कि काफी बड़ी छलांग हमारे लोगों की, गरीबों की क्षेत्र में है। इसके बावजूद भी विकास पर्व चल रहा है, ये मान के चलना विकास में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। इतने सारे खर्चों के बावजूद भी हम लगातार कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, और वेलफेयर स्कीमों का परिणाम भी आप सबके सामने है कि गरीबी रेखा से भी लोग निकल के आ रहे हैं और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय विभागीय मंत्री जो सांस्कृति विभाग के हैं, उनको भी हमारा जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत का निर्माण परम पूज्य शंकराचार्य जी का हो रहा है ओंकारेश्वर पर, उसे 31 अगस्त तक पूर्ण करने का और सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने का भी उन्होंने कहा है, और विभागीय मंत्री को वहां जाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 1,36,00,000 पर कैपिटा इनकम गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग आए हैं वो 1,36,00,000।